हेलो दोस्तों, नवरात्रि के 9 पावन दिन जिसमें माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और इन 9 दिनों में अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है और हर देवी के अलग अलग नाम हैं। हर नाम के पीछे एक रहस्य या यूं समझिए कि एक लघु कथा है। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, फिर स्कंद माता, उसके बाद कात्यायनी, फिर सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ के हर स्वरूप की अपनी एक अलग विशिष्टता और निराली महिमा है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि हर एक नाम के पीछे क्या रहस्य है। शैलपुत्री, नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहा जाता है, क्योंकि हिमालय को शैल कहा जाता है। ये वृषभ पर विराजती हैं। ये दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ होती है। दूसरी हैं ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप मानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है और दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। फिर आती हैं माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भव सागर से पार उतारती है और उसे लौकिक परलौकिक उन्नति प्रदान करती है। फिर है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं में कमल सुशोभित हैं और एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। कात्यायनी माता, नवरात्र में 6ठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयु मुद्रा में रहता है और वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती हैं और वहीं नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित रहता है। सिंह माँ कात्यायनी का वाहन है। इनकी साधना से इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। कालरात्रि, माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें
शुभंकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने यह भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाता है। ये दुष्टों का विनाश करती हैं। महागौरी माता, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाईं। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती हैं। सिद्धिदात्री माता, नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्राप्त करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके बाद वह अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हैं देवी के 9 रूप और उनके 9 नाम और उन नाम के पीछे छुपा रहस्य। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए ज्ञान की बातें।